हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप रिलाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डेबिट क्रेडिट नोट सिलेक्टिव रिपोर्ट को कैसे व्यू कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे रिपोर्ट्स डेबिट क्रेडिट नोट सिलेक्टिव पे एंटर करेंगे। यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट जिसकी रिपोर्ट व्यू करनी है उस पर एंटर कर देना है। हम यहाँ पे डेबिट नोट पे एंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट डे बुक्स, यहाँ जिस डे बुक की रिपोर्ट व्यू करनी है उसे स्पेस बार की प्रेस करके या फिर प्लस माइनस की से टिक अनटिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सभी डे बुक्स को सिलेक्ट करना है तो स्टार की को प्रेस कर देना है, यहाँ पे सभी डे बुक्स के आगे टिक हो जाएगा, एंटर कर देंगे। नेक्स्ट वाइज, यहाँ जिस वाइज रिपोर्ट व्यू करनी हो वो सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि डेट वाइज, अकाउंट वाइज, डिलीवरी वाइज, ब्रोकर वाइज, हफ्ते वाइज, सिटी वाइज या स्टेट वाइज। हम यहाँ पे पार्टी वाइज रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं तो अकाउंट ऑप्शन पे एंटर कर देंगे। नेक्स्ट कॉल रो हेडिंग लिस्ट, यहाँ पर अगर आपने डेबिट नोट में मल्टीपल कॉलम रो हेडिंग की एंट्री की हो तो उसकी लिस्ट आ जाएगी, और अगर उसमें पर्टिकुलर कोई एक कॉल रो हेडिंग की रिपोर्ट देखनी हो तो उसके अलावा की कॉल रो हेडिंग को लिस्ट में से डिलीट कर देना है, और अगर सभी की रिपोर्ट देखनी हो तो एंटर कर देना है। नेक्स्ट सिलेक्शन बॉक्स, यहाँ पर रिपोर्ट में जो फील्ड चाहिए या नहीं चाहिए उसको प्लस माइनस की से टिक या अनटिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पे टिक कर रहे हैं और यहाँ पे आइटम समरी को अनटिक कर रहे हैं, एंटर कर देंगे। पीरियड, जिस डेट से लेके जिस डेट तक की रिपोर्ट देखनी हो वो पीरियड यहाँ पे सेट कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शंस, ऑप्शन बॉक्स में भी जिस ऑप्शन को टिक अनटिक करना हो वो प्लस माइनस की प्रेस करके कर लेना है, जैसे हम यहाँ पे इन्वेंट्री यानी कि रिपोर्ट में आइटम डिटेल चाहते हैं तो यहाँ इसको टिक कर देंगे और फिर उसमें कौन कौन सी यूनिट चाहिए वो टिक कर लेंगे, एंटर कर देंगे। रिपोर्ट टाइप, यहाँ पे अगर नॉर्मल रिपोर्ट व्यू करनी हो तो नॉर्मल ऑप्शन पे एंटर करना है, और अगर इनवॉइस के सामने जो पेमेंट एडजस्ट किया है वो भी देखना हो तो ये ऑप्शन आमने सामने पे एंटर करना है, हम यहाँ पे नॉर्मल पे एंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेट, अगर सभी स्टेट्स का रिपोर्ट देखना हो तो ऑल ऑप्शन पे एंटर करना है, और अगर सिलेक्टेड स्टेट्स का रिपोर्ट देखना हो तो सिलेक्टेड ऑप्शन पे एंटर करके स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट अकाउंट, अगर सभी अकाउंट्स का रिपोर्ट देखना हो तो ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज कोई पर्टिकुलर अकाउंट की रिपोर्ट के लिए सिलेक्टेड ऑप्शन पे एंटर करके अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइटम, इसी तरह से आइटम में भी सभी आइटम्स की रिपोर्ट देखनी हो तो ऑल ऑप्शन पे एंटर करना है, और अगर सिलेक्टेड आइटम्स की रिपोर्ट देखनी हो तो सिलेक्टेड ऑप्शन पे एंटर करके आइटम को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट स्क्रीन, अगर सभी स्क्रीन्स की रिपोर्ट देखनी हो तो ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और अगर कोई सिलेक्टेड आइटम स्क्रीन की रिपोर्ट देखनी हो तो सिलेक्टेड ऑप्शन पे एंटर करके आइटम स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट इनवॉइस टाइप, अगर सभी इनवॉइस टाइप्स की रिपोर्ट देखनी हो तो ऑल ऑप्शन पे एंटर करना है, अदरवाइज कोई सिलेक्टेड इनवॉइस टाइप यानी कि सिर्फ B2B की इनवॉइस देखने हो या फिर सिर्फ B2C इनवॉइस के रिपोर्ट देखने हो तो यहाँ सिलेक्टेड ऑप्शन पे एंटर करके इनवॉइस टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इनवॉइस सब टाइप, अगर सभी इनवॉइस सब टाइप की रिपोर्ट देखनी हो तो ऑल ऑप्शन पे एंटर करना है, अदरवाइज कोई पर्टिकुलर इनवॉइस टाइप यानी कि पर्टिकुलर इंट्रास्टेट इनवॉइसेस या इंटरस्टेट इनवॉइस की ही रिपोर्ट देखनी हो तो सिलेक्टेड ऑप्शन पे एंटर करके इनवॉइस सब टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सप्लाई टाइप, सभी सप्लाई टाइप की रिपोर्ट व्यू करनी हो तो ऑल ऑप्शन पे एंटर करना है, और अगर कोई सिलेक्टेड सप्लाई टाइप यानी कि सिर्फ गुड्स या सिर्फ सर्विसेज की रिपोर्ट देखनी हो तो सिलेक्टेड ऑप्शन पे एंटर करके सिलेक्ट कर सकते हैं, एंटर कर देंगे। डिवाइस, अगर रिपोर्ट को सिर्फ व्यू करना हो तो स्क्रीन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, व्यू करके प्रिंट करना हो तो फाइल ऑप्शन पे एंटर करना है, व्यू किए बिना प्रिंट करना हो तो प्रिंटर ऑप्शन पे एंटर करना है, और अगर रिपोर्ट से एग्जिट होना हो तो एग्जिट ऑप्शन पे एंटर करना है, हम यहाँ पे फाइल ऑप्शन पे एंटर कर रहे हैं, रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट यहाँ पे आ चुकी है, अगर आपको इस रिपोर्ट को प्रिंट करना हो तो एक बार एस्केप की को प्रेस करके प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर कर देना है, आपकी रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी। और अगर आपको इस रिपोर्ट को
एक्सेल, वर्ड, पीडीएफ या किसी और फॉर्मेट में व्यू करना हो तो यहाँ पे सेंडू ऑप्शन पे एंटर करके जिस फॉर्मेट में रिपोर्ट को सेव करना हो उस पे एंटर कर देना है। इस तरह से हम रिलाय में डेबिट क्रेडिट नोट सिलेक्टिव रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।